लाई हूँ आपके लिए पुलाव की रेसिपी, और बहुत मजेदार सा पुलाव है ये। ये भी यखनी पुलाव है और बीफ का बहुत लजीज सा बनता है। आई मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आपको। ये मैंने 1.5 kg बीफ का गोश्त लिया है, और ये बिल्कुल ही रूखा नहीं है, थोड़ा सा चिकनाहट भी है इसमें और थोड़ी हड्डियां भी है, क्योंकि जब यखनी बनाते हैं तो थोड़ी इसमें हड्डियां भी यूज करनी पड़ती हैं, जिससे इसका जो टेस्ट बनता है और जो इसका यखनी निकलती है बहुत टेस्टी और मजेदार सी होती है। ये मैंने 4 अदद प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये पास 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये मेरे पास जो है लहसुन ऐसे ही है जो मैंने छिलके समेत ही साफ कर लिए हैं। ये हम यखनी में डालेंगे। ये पास नमक है, ये हम यखनी में और पुलाव में दोनों में यूज करेंगे। ये मेरे पास काशू है, और ये बादाम है हमारे पास। ये पास रेजिन्स है, जो किशमिश भी कहते हैं उसको, और ये मेरे पास काशू है, और ये गरम मसाला है मेरे पास, ये तेज पत्ता है, मैंने ज्यादा नहीं 2 अदद लिए हैं, और ये मेरे पास लौंगे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, जीरा है, और ये मेरे पास बादियान के फूल हैं, इस सौंफ है, और ये धनिया है, कम से कम 3 3 टेबल स्पून ये सौंफ और धनिया है। ये मेरे पास टमाटर है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं जो कि मैं उसमें हरा मसाला ऐड करूंगी। ये मेरे पास कलर है, ऑरेंज कलर है। ये मेरे पास है जायफल जावित्री, ये मेरे पास गरम मसाला है, कुछ जायफल जावित्री है इसमें, और छोटी इलायची है जिसको हम बारीक पीस लेंगे। ये मेरे पास कुटी हुई मिर्चें हैं। अगर आपके पास जाफरानी केवड़ा नहीं हो तो आप रेगुलर केवड़ा भी यूज कर सकते हैं। ये ऑयल, ये पास 1 kg राइस है, चावल है जो कि सेला चावल है, और उसको मैंने कम से कम 2 घंटे पहले भिगा लिया था, और उसका पानी रिमूव कर दिया है मैंने। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम सौंफ और धनिया के लिए फैब्रिक पाउच बनाएंगे, जिसके अंदर हम इसको सौंफ धनिया को डालेंगे। ये हमने इसमें धनिया डाल दिया, हमने सौंफ डाल दी, हम दोनों चीज इसमें डाल देंगे। हम एक डिप पॉट लेंगे और इसमें गोश्त को डालेंगे, अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसमें गरम मसाला डालेंगे, हम इसमें लहसुन डालेंगे जो हमने छिलके समेत ही रखे हुए थे। अब इसमें हम फैब्रिक पाउच डालेंगे, और ये हमने जायफल जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर बना लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और हम इसमें पानी डाल देंगे, कम से कम 1 जग के करीब डालेंगे पानी, और बल्कि हम थोड़ा सा 2 गिलास और डाल देते हैं, हमें यखनी कम लग रही है। अब हम इसमें खौलाने का वेट करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी प्याज भी डालेंगे, इसमें तकरीबन हमने आधी प्याज के करीब यखनी में डाली है, ताकि इसकी यखनी अच्छी बनती है। इसके बाद अब ये खोल आ जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर हम इसको ढक के रखते हैं। 1 चम्मच हम भर के इसमें नमक का ऐड कर देंगे, हम 45 मिनट्स के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स हो गए हमारी यखनी को, देख लेते हैं। देखिए हमारी बोटियां अच्छी से गल गई हैं। अब हम ये जो हमारे पास पोटली है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसे निकाल के हम इसको हटा देंगे। इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम ये डीप पॉट लेंगे, और उसमें तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें प्याज फ्राई करने के लिए डालेंगे। प्याज फ्राई करेंगे, इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। ये हमारी प्याज फ्राई हो रही है, थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। ये हमने थोड़ी सी प्याज साइड में करके बघार के लिए निकाल लिए, ये देखें। बाकी प्याज को हमने कांच से पीछे कर लिया। ये प्याज हमारी देखें, हमें इतनी ही चाहिए फ्राई के लिए। अब हमने जी प्याज फ्राई थी, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। फिर
टमाटर जब अच्छे से हमारा थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक और गोश्त डालेंगे। ये हमने पोटली में जो सौंफ धनिया डाला था ये वो है, हम इसको भी ग्राइंड करके इसके मसाले में डालेंगे, क्योंकि जब हम ये मसाले में डालते हैं तो मसाले का जायका और ज्यादा मजेदार हो जाता है। देखें ये हमारे टमाटर भी अच्छा खासे घुल गए। अब हमने जो सौंफ धनिया था वो हमने इसका पेस्ट बना लिए। लोग अमूमन इसको फेंक देते हैं मगर इसका जायका बहुत मजेदार आता है पुलाव में और मसाला भी बहुत अच्छा बन जाता है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ जिससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा उठता है। अब इसमें हम जो हमारे पास लहसुन अदरक था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे तरह से भून गए। अब हम इसके अंदर जो यखनी का है गोश्त वगैरह हम वो निकाल के इसमें डाल देंगे। इसी यखनी से हम कुछ भी नहीं निकालेंगे, इसमें जो गरम मसाला है सब चीज़ें हम सब इसको बस एक इस तरह से हम लेके इसमें डालते जाएंगे। देखिए हमारी यखनी में जितना भी गोश्त था और सब जो हमारे इसमें इसका मसाला वगैरह था ये हम सब इसमें से करके ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसके अंदर हम जो हमारे पास कुटी मिर्ची थी वो हम इसमें डालेंगे, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। 1 टीस्पून, वैसे तो 1 टीस्पून डालें, अगर आप अगर ज़्यादा खाती हैं तो थोड़ा सा और भी डाल सकती हैं। इसके अंदर हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे, अभी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हम मसाला भून रहे हैं और मसाला भूनते में जो हम नमक अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो गोश्त में भी बहुत तेज़ नमक हो जाएगा बोटियों में, तो जब हम इसमें चावल डालेंगे पानी डालेंगे तभी हम उसका पानी उसका नमक थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे चावल के हिसाब से। तो हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम इसके अंदर ये हरा मसाला डालेंगे, ये हरी मिर्ची है पुदीना है काट के रखा था हमने, ये हम इसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरह से डालेंगे। ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने यखनी बनाई थी वो हम डाल देंगे। ये देखें हमारी यखनी में खोल आ रहा है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। हमने इसमें चावल ऐड कर दिए। ये देखें अब चावल डालने के बाद भी इसमें खोल आ गए। अब हम इसमें नमक डालेंगे चावल के हिसाब से जैसे हमें चावल में डालने होते हैं। तकरीबन हमने 2 चम्मच के करीब डाल दिए, वो आप अपने जायके के मुताबिक डाल दें, अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें। अब हम इसको खौलाने का इंतजार करेंगे, खौल आ जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। ये देखें कितना कलरफुल बना है और बहुत ही चटकारेदार मज़ेदार बनता है ये पुलाव, एकदम सादा सा नहीं होता क्योंकि इसमें इतना हम मसाला ऐड करते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है ये। अब इसमें खौल आना शुरू हो गया, अब हम इसको ढक देंगे ताकि ये अंदर ही अंदर जो पकना है इसको पकेगा, उसके बाद जब दम पे लगाना होगा तो फिर हम इसको देख लेंगे, जब इसका पानी खत्म होने लगेगा तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। अभी हम इसको ढक के पका रहे हैं, फ्लेम अभी हमारा हाई पे ही है क्योंकि ये अभी पानी इसके अंदर है, जब ये पानी अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाएगा और दम पे लगाना होगा तो हम फ्लेम को स्लो करेंगे, अभी तेज आंच है। 2 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर पानी मौजूद है। इसका पानी ड्राई होने का इंतजार वेट करते हैं, फिर इसको हम दम पे लगाएंगे। ये देखें
हमारे पुलाव में अभी थोड़ा सा और थोड़ा सा पानी है। अब हम इसको इसी इस कंडीशन पे आके इसका इसको कवर कर देंगे और तेज आंच पे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को स्लो पे कर देंगे ताकि ये दम पे आ जाए। तकरीबन हम 10 से 15 मिनट इसको दम पे लगाएंगे। अभी ये हमारी आंच इसकी तेज है। ये 1 मिनट हमारे इसको हो गया है। अब हम इसका फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा कम पे करेंगे, बिल्कुल स्लो नहीं करेंगे ताकि दम पे अच्छी तरह से आ जाए। अगर आप तवा रखना चाहती हैं नीचे तो तवा रखें, मगर मैं तवा नहीं रख रही हूँ। मीडियम और स्लो के बीच में है मेरा फ्लेम। हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये 1/2 चम्मच हमने कलर लिया है, ऐड कर देंगे। ये कम से कम हमारे पुलाव को 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। अब हम इसमें जो हमारे पास कलर है ये हम इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास जाफरानी क्योड़ा है जो हमने दिखाया था शुरू में आपको, ये हम इसमें ऐड करेंगे कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। और ये हम इसमें बगाल की प्याज डालेंगे। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसको सर्व कर दिया है। अब हम इस पे ये बगाल की प्याज डालेंगे जो हमने बगाल निकाला था। इस पे हम काजू डालेंगे। बादाम डालेंगे। हम इसमें किशमिश डालेंगे। ये हमारा मज़ेदार सा यखनी पुलाव विद ड्राई फ्रूट तैयार है और बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी और मज़ेदार से मज़ेदार रेसिपी आपको फराहम कर सकूँ। और आप मुझे अगर आपको कोई फरमाइश हो तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं और बता सकते हैं कि आप ये बनाए तो फिर मैं आपको उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह फराहम करूँगी। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।